हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एक बहुत अच्छी अपडेट है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगातार महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, उसके इंतज़ार में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अब इसी महीने नवरात्र के पावन अवसर और दिवाली से पहले दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। दो स्टेट्स सिक्किम और मिजोरम ने हालिया डेनस लाउंसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बढ़ा दिया है। देखिए, मनी कंट्रोल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कल बुधवार को तकरीबन 3 या 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। एज पर दिस न्यूज सोर्स कल 10:30 के बाद एक बैठक होनी है, कैबिनेट मीटिंग रहेगी। अभी पिछली जो कैबिनेट मीटिंग रही थी उसमें रेलवेज के जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो बोनस है वो बढ़ाया गया, वो प्रोवाइड कराया गया। अब इसमें क्या होगा जो कल होने वाली है, इसमें महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों अभी इस पर कन्फ्यूजन है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक 53% बढ़ाया जाए या 54% बढ़ाया जाए, मतलब 3% बढ़ाया जाए या 4% बढ़ाया जाए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक 3% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ा है, तो इशारा कर रहा है कि 53% या 54% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। तो कल ये बात पता चल जाएगी, कल इसका ऐलान हो सकता है। दोस्तों कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स हैं, दोनों पेंशनर्स के लिए भी धारा 49 की वजह से जो आपसी सहमति है उसके बाद विद इन 2 वीक्स डेनस लाउंसेस रिलीज कर सकती हैं। थैंक यू।